हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, कभी कभार दिल्ली विश्वविद्यालय हमें चौंका देता है। जाहिर सी बात है, जब भी रिजल्ट आना शुरू होते हैं ना, तो एक रिजल्ट की क्रांति या रिजल्ट की बारिश होना शुरू हो जाती है। तो फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से हमें चौंका दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से SOL का सेकेंड सेमेस्टर का एक बार फिर से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। किस किस कोर्स का आया रिजल्ट, तो फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने SOL का, मैं ये कहूँ SOL ने अपना सेकेंड सेमेस्टर का BCOM प्रोग्राम और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। कैसे आप रिजल्ट चेक करोगे वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एज ए प्रूफ कि कुछ किस कोर्स का रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, किसी कोर्स का रिजल्ट आपका आ चुका है। तो आप देख सकते हो, आज पहले जो लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था, 3 कोर्सेज के आ गए थे, और आज BCOM प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का NEP का और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस NEP, यानी 2 कोर्सेज के रिजल्ट देखने को मिले। अभी तक BA प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आया है। तो BA प्रोग्राम को छोड़कर जो बाकी कोर्सेज रिजल्ट आ चुके हैं, कैसे रिजल्ट आप निकालोगे, सिंपल सी कहानी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, इस पोर्टल पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कॉलेज नेम में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, BCOM प्रोग्राम और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जो है आ चुका है, BA प्रोग्राम का नहीं है। बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, फिर आप कमेंट करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो जब मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर चुका है, तो हमने डाल दिया। यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर डालना जो आपके आईडी कार्ड में होगा, DOB आपको सेलेक्ट करनी है जो कि आपके आईडी कार्ड पे होगी, और कैप्चा में ये जो कोड है ये आपको यहाँ डालना है। प्रिंट स्कोर कार्ड पे क्लिक करोगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। डिटेल ठीक से डालना, आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, जरूर बताएगा आपका रिजल्ट कैसा है। तो बिग अपडेट ये है कि सेकंड सेमेस्टर का BCOM प्रोग्राम और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है।